जो अच्छा काम करे, गुंजन सिंह आया, गुंजन सिंह के वोट देंगे, बीजेपी से है वो। हाँ, तो आपको कहा नहीं देना क्यों? आरजेडी से विनोद यादव आ रहे, वो भी चर्चित नेता है, नवादा में गोवर्धन मंदिर, इतना विशाल मंदिर बनाए हैं। हमको खुद नहीं पता है, वो अभी नहीं करता, इधर क्यों देंगे उसको वोट? मतलब आपका कहना है, अभी हम आ चुके हैं नवादा जिला के संसदीय क्षेत्र कौआकोल प्रखंड में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की आने वाला आगामी चुनाव 2024 में किनके पक्ष में ग्रामीण है, तो ग्रामीण से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आइए, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? नीतीश कुमार। आपका क्या नाम है सर? रंजन कुमार। रंजन कुमार, आने वाला 2024 में इलेक्शन है, आपको मालूम है? हाँ मालूम है ना। तो संसदीय का लोग तो अब ये नवादा आता है ना? हाँ नवादा। तो इसमें तीन कैंडिडेट हैं, एक जो करेंट अभी जो वर्तमान सांसद है चंदन सिंह जी, और एक है गुंजन सिंह जी जो लोक गायक हैं, और एक है विनोद यादव जी। तो आप इस तीनों में किन्हें देखना पसंद करते हैं? जो अच्छा काम करेगा उसी को देखना चाहता हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसी को देखना चाहता हूँ। जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को देखना चाहते हैं। जैसे आप ही वर्तमान जो सांसद है चंदन सिंह जी, वो आपके गांव में कभी आए हैं? कभी नहीं आया। वो आपका गांव ग्रामीण अगल बगल कहीं कुछ किए हैं? कहीं भी नहीं, क्योंकि उन्हें सांसद है तो कुछ तो करना चाहिए। आप लोग से मिलते हैं? कभी आते हैं इधर? कभी नहीं आता है, वोट देते हैं सब लोग गायब हो जाता है। इनका कहना है कि हमारे जो सांसद है वर्तमान सांसद चंदन सिंह जी, जो हमारा एरिया कभी नहीं आते, ना कभी घूमने आते हैं, ना कभी कुछ करते हैं, ना कभी कुछ विकास कोई फंड देते हैं। तो अबर जो नेता चुनिएगा और जो सांसद बनाइएगा, किन्हें बनाइएगा? जो अच्छा काम करे, गुंजन सिंह आया, गुंजन सिंह के वोट देंगे, बीजेपी से है वो। हाँ, तो आपको कहना है कि गुंजन सिंह जी को अगर वोट देंगे, वो बीजेपी से आएंगे चाहे कोई भी चीज से आएंगे, तो आप क्या गुंजन सिंह को वोट दीजिएगा? अगर गुंजन सिंह बीजेपी से ना आके निर्दलीय से आए, तो क्या आप उन्हें वोट दीजिएगा? नहीं देंगे ना। नहीं दीजिएगा, मतलब आपका कहना है बीजेपी से जो आ जाए, थर्ड पर्सन कोई और भी आ जाए, तो हम उन्हें वोट देंगे? उसी को देंगे, उन्हीं को देंगे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? मुंदिरका रविदास। मुंदिरका रविदास, तो आपका गाँव में अभी वर्तमान सांसद है चंदन सिंह जी, जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। तो आने वाला इलेक्शन में आप किन्हें वोट दीजिएगा? जहाँ 10 देगा वहाँ देंगे। तो जैसे अभी है ना, एक आरजेडी है, बीजेपी है, तो आप किन्हें पसंद करते हैं? नहीं अभी हम कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। चाचा डर रहे हैं, तो आपका कहना है, और चाची देखिए इधर है, चाची इधर है, ये देना ही नहीं है। क्या? आरजेडी को देना ही नहीं, आरजेडी को देना ही नहीं, आरजेडी को नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। क्यों? आरजेडी से विनोद यादव आ रहे, वो भी चर्चित नेता है, नवादा में गोवर्धन मंदिर, इतना विशाल मंदिर बनाए हैं। हमको खुद नहीं पता है, वो अभी नहीं करता, इधर क्यों देंगे उसको वोट? मतलब आपका कहना है विनोद यादव कभी इधर नहीं आते? कभी नहीं। अपना संसदीय क्षेत्र कभी घूमने नहीं आते? नहीं आया, कभी नहीं आते। इधर चाची है, थोड़ा इधर देखिएगा। नमस्कार चाची। नमस्कार, क्या नाम है चाची आपका? रीता देवी। रीता देवी, तो आने वाला इलेक्शन में आप किन्हें देखना चाहते हैं? किन्हीं का देखना चाहते हैं सर? हम लोग का लल्ली गली सब ऐसी है, घर में पानी है, कपड़ा में पानी, तो किसको देखेंगे? जो हमको भलाई करेगा, जिसको हम भलाई करेंगे। तो अभी दो है हॉट सीट, नवादा हॉट सीट बना हुआ है, नवादा में आप दो है चर्चित नेता है, एक है गोविंद पाथी गुंजन सिंह लोकप्रिय गायक, और दूसरा है हमारे विनोद यादव जी। तो आप अच्छा ठीक है, बोले आप किन्हें किन्हें पसंद करते हैं? पसंद करते हैं सबके, लेकिन हमको ये भलाई कर दीजिए लली गली के, उसी के हम। तो देखिए, इनका कहना है कि हमें कोई नेता सब सही है, लेकिन जो हमारे मदद करेंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे, उनके लिए हम वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, कोई भी आएंगे हम उन्हें बोलें। लेकिन अभी गुंजन सिंह जी बहुत तात्पर्य, अभी भैया बोले थे कि गुंजन सिंह को हम समर्थन करते हैं, तो आपका क्या गाना? गुंजन सिंह का गाना सुनते हैं? हाँ सुनो, ये तो सुनो ही, कैसे नहीं? तो अभी वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो क्या उनको वोट दीजिएगा, संसद बनाइएगा? देवे ने हमनी भलाई कर देखिन, दे देवे वोट, काहे नहीं देवे? तो इनका भी कहना है कि गुंजन सिंह जी अगर हम लोग के साथ खड़ा रहेंगे, हम लोग का हेल्प करेंगे, तो हम उनका वोट उनको देंगे? देंगे हाँ वोट, लेकिन लल्ली गली बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कर ले, सब कुछ में भलाई करती तबे ना गरीब के बाल बच्चा। बारिश का मौसम नहीं है तो आप सही है, हम लोग के पास पैसा है कौड़ी है, हम कैसे बाल बच्चा पढ़ावे, कैसे खाए, कैसे की करे, खाली वोट दे देंगे सर, क्या वोट ले लगा बैठ रहेगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है।